इन माय DIY चैनल, मेरे चैनल में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीम बताऊंगी, ये आपके फेस को फेयर तो करेगी साथ ही साथ लवली निखार भी देने वाली है। आज मैं आपको फेयर एंड लवली क्रीम बताऊंगी जो भी विंटर वाली बताने वाली हूँ कि विंटर वाली फेयर एंड लवली क्रीम आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। जो सिंपल वाली क्रीम है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे बना सकते हैं उस क्रीम को, तो आज आपको यहाँ पर मैं विंटर वाली फेयर एंड लवली क्रीम बना के बताने वाली हूँ। बेसिकली इन क्रीम के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप उसे अपने घर पर कैसे बना सकते हैं उस क्रीम को मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और उसे आप सबसे पहले देख सकते हैं। और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। जो फेयर एंड लवली क्रीम का जो मेन इंग्रेडिएंट है जी, आपके फेस को फेयर तो करेगी साथ ही साथ लवली निखार भी देने वाली है, तो आपको यहाँ पर 4 से 5 बादाम लेने हैं। 4 से 5 बादाम में आपकी काफी सारी क्वांटिटी में आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाती है। और इसमें आपको क्या यूज करना है, कच्चा दूध यूज करना है। यहाँ पर बेसिकली आपको यही चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर रॉ मिल्क ही यूज करना है। तो करीबन 4 से 5 बादाम आपको लेने हैं और आप यहाँ पर दूध को लेने हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो 4-5 घंटों के लिए बादाम को दूध के अंदर अच्छे से भिगो के रख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो 4-5 घंटों के लिए दूध में बादाम को भिगो के जब आप रखोगे तो उससे आपकी क्रीम और भी ज्यादा अच्छी बनने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करके इसको ग्राइंड करके पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट से ही हमारी जो मार्केट जैसी क्रीम है वैसी ही बन पाएगी। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद आपको एक क्लीन बाउल लेना है और उसके अंदर जितना भी हमने पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर देना है। 4 से 5 बादाम में इतना सारा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। पेस्ट जब आपका बन के रेडी हो जाए उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन से क्या होगा, ये इसको काफी टाइम तक प्रोटेक्ट करेगी और साथ ही साथ हमारे इसके अंदर मॉइस्चराइजर ऐड होगा। ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसके बहुत ही सारे बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए। तो आपको यहाँ पर कुछ बूंदे ग्लिसरीन की ऐड करनी है। ग्लिसरीन से पूरा हमारा जो फेस है अच्छे से हील अप होना स्टार्ट होगा और पूरा एकदम अच्छे से जो भी प्रॉपर हमारे फेस की रिक्वायरमेंट है वो सारी ग्लिसरीन से मिलेगी। तो ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे फेस को अच्छे से हील अप करता है। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस उसे भी फटाफट से जरूर सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है उससे भी फाइट करके हमारे फेस को बहुत ही फेयर और लवली निखार देने में काम करता है। जब हम ये क्रीम विंटर्स के लिए बना रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मात्रा ज्यादा करनी होगी ग्लिसरीन की, ताकि हमारे फेस पे एकदम मॉइस्चर बना रहे और हमारे पूरे फेस को अच्छे से विंटर में प्रोटेक्ट करे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है, आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या फिर आमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो चीज आपको ऐड करनी है वो कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी यहाँ पर किसी भी ब्रांड का यूज, बट आपको ये ध्यान रखना है जिस भी टाइप का कोकोनट ऑयल यूज करें वो एकदम 100% प्योर, तो आपकी रेमेडी और भी ज्यादा अच्छी बनेगी। तो कुछ बूंदे आपको यहाँ पर कोकोनट ऑयल की ऐड करनी है या फिर आमंड ऑयल की यूज करनी है। तो यहाँ पर जितनी मात्रा में आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही ऐड करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ड्राई है कोकोनट ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी विंटर्स में हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, तो आपको कुछ बूंदे यहाँ पर कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल की ऐड करनी है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अभी हमारी क्रीम एकदम रेडी तो हो गई पर जो मार्केट वाली कंसिस्टेंसी है वो अभी इसके अंदर नहीं आई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। जो ग्लिसरीन है ऑयल है आपस में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी और हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाली है। ये क्रीम आपको फेयर तो करेगी साथ ही साथ लवली भी निखार देने वाली है, तभी तो इस क्रीम का नाम है फेयर एंड लवली क्रीम। तो जैसे ही सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इसे छान लेना है। जो भी सारा इसका जो मेन हमें इसका जो मेन जूस है वही रिक्वायरमेंट है, तो इसमें जो भी मोटा मोटा पार्ट है सारा निकल जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से छान लेना है। जो हमारा फाइनल बेस है अभी वो रेडी हो गया है, अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी मार्केट जैसी नहीं है। तो मार्केट जैसी कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है, कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर वो मकई वाला आटा नहीं है, ये वो आटा है जो हमारे खाने को गाढ़ा बनाने में काम करता है। काफी कुकिंग में भी हम इसे यूज करते हैं, तो आपको ये कहीं पर भी जनरल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर आपको इतनी मात्रा में ऐड करना है कि आपका पेस्ट जो एकदम अच्छा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए।
आपको यहाँ पर इसे ज्यादा थिक भी नहीं करना और ज्यादा थिन भी नहीं रखना। तो आपका यहाँ पर अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाना चाहिए, इतनी मात्रा में आपको कॉर्नफ्लावर को ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर को जब आप ऐड करें तो आपको धीरे धीरे ऐड करना है ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको एकदम एक्यूरेट मिले। तो धीरे धीरे जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे तो आपकी क्रीम के अंदर फ्लफीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। तो करीब 3 से 4 मिनट तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब तक मिक्स करना है आपकी क्रीम के अंदर वो फ्लफीनेस ना आना स्टार्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट तक जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे तो आपकी एकदम ओरिजिनल क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। बट अभी भी ये क्रीम आपकी सेट नहीं हुई तो आप इसे क्लीन कंटेनर में डाल के आपको 5 से 10 मिनट तक इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगी। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आप इसे डे क्रीम के जैसे यूज कर सकते हैं, नाइट क्रीम के जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा फेयर और लवली बनाने वाली है। ये क्रीम आपके फेस पे एज अ मॉइस्चराइजर का वर्क करेगी, साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लो भी निखार देने वाली है। आप इसे अपने फेस पे जब अप्लाई करोगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे आपकी स्किन में धीरे धीरे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और एकदम बहुत ही अच्छे से ये क्रीम आपकी स्किन पे वर्क करने वाली है। और ये क्रीम ऑल टाइप स्किन को सूट करती है, बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो आपको यहाँ पर ऑयल का प्रोटेक्शन को थोड़ा सा कम करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो आपको ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा करनी है। तो इसी प्रोसेस से आप अपनी क्रीम को बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ शेयर भी करना कि आप कौन सा और प्रोडक्ट देखना चाहते हो, तो मैं उनकी वीडियो जल्द से जल्द पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.